स्वागत है आप सभी का रसोई की रौनक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अनोखी सी रेसिपी। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं तो हम रोज रोज चावल खाकर बोर हो जाते हैं, तो हम आज पके हुए चावल की एक बहुत ही अनोखी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। अब मैं यहाँ पर एक कप चावल ले लूंगी। अब हम चावल को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि मैंने एक कप लिया है तो आप एक ही कप ले, आपके पास जितने चावल है आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। ये मैंने एक कप रात के बचे हुए चावल ले लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश चावल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से 3 हरी मिर्चें। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और अगर ज्यादा पसंद है तो आप एक आध हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, हमें बस थोड़ा सा पानी डालना है कि हमारे चावल अच्छे से ग्राइंड हो जाए। हमने चावल को पीस लिया है, आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से पीस गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट रेडी कर लिया है। पेस्ट हमारा गाढ़ा ही होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो ये मैंने चावल का आटा ले लिया है, ये आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है। अब हमें चावल के पेस्ट में चावल का आटा डाल देना है। ये मैंने घर पे पिसवाया है। अगर आप घर पे चावल का आटा बनाना चाहते हैं तो आप चावल को धो ले और इसे सुखा ले। 1 से 2 घंटे में आपके चावल अच्छे सूख जाएंगे। फिर आप इसे चक्की में पिसवा ले या फिर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इस तरह से बारीक पाउडर इसका रेडी कर ले तो आपका चावल का आटा बहुत ही आसानी से घर पे रेडी हो सकता है। और ये रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से चावल का आटा ले सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हम इसमें कम ही नमक का यूज करेंगे क्योंकि हमारे जो चावल है उसमें भी नमक है, लेकिन हमने इसमें चावल का आटा डाला है इसके लिए हम इसमें नमक का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हमें ऐसे ही इसे गूंद लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डो लगा दिया है, हमारा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है, हमने जो चावल का पेस्ट रेडी किया था उसी से हमने डो रेडी कर लिया है। हमने इसमें आधा कप चावल का आटा मिलाया है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को अच्छे से मसल लूंगी। हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है और ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो हम इस तरह से आटा लेकर इसकी लुई बना लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा पहले चकले में डाल दूंगी और लुई को रख कर इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी। अब हम इसे बेल लेंगे। हमें हल्के हाथ से बेल लेना है, बहुत ही आसानी से हम इसे बेल सकते हैं। इसे थोड़ा आराम से ही बेलें क्योंकि हम इसे चावल से बना रहे हैं, तो थोड़ा हम इसे आराम से ही बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसे किसी ग्लास या कटोरी से कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसे कट कर लूंगी। आप इसे जितने बड़े शेप में बनाना चाहते हैं उतने बड़े शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। इसी तरह से हम सारी जो रोटी है उसे इस तरह से बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इस तरह से मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं दिखने में भी हमारी जो रोटी है वो काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सफेद अच्छे से हमने इसे काट लिया है। अब भी इसी तरह से काट ले। अब हम इसे सेक लेंगे। अब हमने गैस पे तवे को रख दिया है, हमारा तवा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी हमारा जो नाश्ता है यानी कि जो हमारी चावल की जो रोटी हमने बनाई है उसे डाल देंगे। हम इसमें तेल या घी कुछ नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही डाल देंगे। एक बार तवा गर्म होने के बाद में आप इसे मीडियम फ्लेम में कर ले। अब हम इसे पलट लेंगे। तो हम थोड़ी सी इसे 1 मिनट तक हल्की आंच में इसे पकने देंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से इसे हम बना सकते हैं। अगर आप चावल की रोटी घर पर बनाते हैं तो ये उससे भी ज्यादा आसान है और उससे भी ज्यादा ये टेस्टी है। तो इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। तो हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो अच्छी सिक गई है। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसमें ज्यादा इस तरह से नहीं सेकेंगे वरना जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो बहुत ही अच्छी सिक चुकी है। तो इस तरह से फूली फूली सी हमारा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारी जो पूरी कट करके रखी है उसे हम सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और सफेद हमारी जो रोटियां है वो बनकर रेडी हो गई है और वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। आप भी इसी तरह से अगर आपके घर में चावल बच जाए तो इस तरह से नाश्ता बनाकर खा सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फूला फूला सा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसे हमने बिना तेल के बनाकर रेडी किया है। आप चाहे तो इसे तेल लगाकर भी बना सकते हैं या फिर आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो आपको मेरी आज की बचे हुए चावल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।